वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आपका है न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड का मैंने दो पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें एक टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो है आपका जिसमें हम लोग डीएनए के टाइप कितने होते हैं, जो वॉटसन एनक्रिक मॉडल है वो क्या है और आरएनए के टाइप क्या हैं, वो सब हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताया गया है आपको। और ये स्पेशली आपका बीएससी और नीट के बच्चों के लिए किया गया है, बीएससी बायोटेक के बच्चों के लिए किया गया है, तो वो बच्चे बहुत ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इस नंबर पर भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा या फिर कुछ अच्छा पढ़ना हो। ठीक है, तो हम लोग आज अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को लेकर के बात करेंगे। तो हिस्ट्री को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो सबसे पहले क्या है, डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1869 इन जोहन फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवरी किया था सबसे पहले पस सेल पे, WBC जो है वहाँ पर उस पे क्या किया गया है, डिस्कवरी किया गया है। और इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया था, पहले ही न्यूक्लिक एसिड नाम से ये डिफाइन नहीं था, पहले हम लोग न्यूक्लिन कहते थे। तो फ्रेडरिक मिशर ने किस क्या बताया है, न्यूक्लिन। तो ये आपका जैसे BHU का एंट्रेंस हो गया, बाकी सभी एंट्रेंसेस में ये सभी चीज़ें हिस्ट्री भी पूछी जाती है, इसलिए थोड़ा हमने हिस्ट्री भी डिस्कस किया आपसे। दूसरी अगर हम बात करें कि अल्टमैन ने क्या किया था, अल्टमैन ने 1889 में डिस्कवर्ड किया था, इनको ये पता चला था जो न्यूक्लिन है उसके अंदर उसके पास कोई एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, और वो एसिडिक प्रॉपर्टी जिस किस चीज़ की वजह से है, फॉस्फेट की वजह से। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि ये फॉस्फेट कहाँ से आया। तो ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी आई है वो ये एसिडिक प्रॉपर्टी फॉस्फेट की वजह से है, क्योंकि फॉस्फेट पे कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, 3, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी आने की वजह से हमने न्यूक्लिन से क्या कह दिया है, इसको न्यूक्लिक एसिड। तो ये अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड कहा क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी आई, और फ्रेडरिक मिशर ने इसको न्यूक्लिन किया पस सेल में। ठीक है, और बाकी सभी साइंटिस्ट का यहाँ पर भी आपको नाम दिया गया है, जैसे जेकरी ने प्रपोज किया था डीएनए का टर्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और भी बाकी पिरिमिडिन प्यूरिन कोकोसेल ने भी किया था। तो आगे और हम लोग अगर यहाँ बात करें कि डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम क्या है, एवरी मैकलियॉड और मैकार्टी, इन्होंने 1944 में ये चीज़ें बताई हुई थी। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने पहले भी देखिए, हर एक जगह पर जब भी हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने एग्जांपल में पढ़ा था कि मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल आपका क्या था, न्यूक्लिक एसिड भी था। तो वहाँ पर देखिए, आपको जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक पढ़ाया गया है वो हर एक जगह पर हर एक टॉपिक वो डिस्कस किया जा रहा है। अब जब तक बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कुछ भी पढ़ेंगे, वहाँ पर हर एक जगह पर आपको क्या मिलेगा, मैक्रो माइक्रो का जिक्र मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात किए तो आपका क्या आया, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, और अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला जा रहा है, अभी पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, एक आपका डीएनए है और एक आपका क्या है, आरएनए। जिस डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए क्यों, एसिड एसिड आ रहा है ना, तो नेगेटिवली चार्ज के लिए बोला जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करें न्यूक्लिक एसिड को, तो ये एक तरह का क्या है, ये आपका रिस्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक आपको मिलता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो आपके टू, अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर 2 मार्क्स में आपको लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफाइन द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, और आपसे पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी जब भी पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिखाया जा रहा है, डीएनए से डीएनए बनना, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, डीएनए से जब
डीएनए बन रहा है। तो जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से जब डीएनए का बनना, लेकिन ये रेप्लिकेशन में अपने आप से तो हो नहीं रहा, रेप्लिकेशन मतलब बिल्कुल फोटोकॉपी, जैसा डीएनए है उसी के जैसा एग्जैक्ट कॉपी। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। हर जगह पर हर स्टेप में एंजाइम का इन्वॉल्वेशन होगा, या तो इसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को दूसरे नाम से कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों हम यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए क्या है, खुद ही पर डिपेंड है, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए से क्या बनाएं, यहाँ पर आरएनए बनाएं, स्पेशली यहाँ पर एमआरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन तब कहते हैं जब हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। और यहाँ पर भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कुछ चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, या फिर इसी एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको लग रहा होगा क्यों हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एमआरएनए किस पे डिपेंड है, इस डीएनए पर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ये एमआरएनए है वो डीएनए पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर डीएनए पे डिपेंड था, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला गया, ठीक है। यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो उस डीएनए पे डिपेंड है। अब यहाँ पर एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब हम लोग अमीनो एसिड पढ़े थे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये आपका, यही आपका क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नेम से जाना जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर अब हम इस स्लाइड की बात करें, ये स्लाइड आपके लिए, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, तो आपको इस स्लाइड में पूरी की पूरी इस न्यूक्लिक एसिड की समरी नज़र आ रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एज अ की नोट्स के लिए भी, आप नोट्स भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी, और आपको एज अ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम यहाँ बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की। अब यहाँ माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का जिक्र होगा। हमने बात किया था कि बायोमॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या पढ़े हैं हम लोग, स्मॉल। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड बना है वो किससे बना हुआ है, कई ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब कई ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या कर लिए, किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू क्या हो गए, जुड़ गए, क्या बनाए, आपके सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड क्या बनाए, आपस में पॉलीमर बनाए, है ना, पॉलीमर बनाए। तो ये कई ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड जब पॉलीमर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये पॉली, जब अकेला था एक न्यूक्लियोटाइड था तो हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे थे, लेकिन अब कई ढेर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में क्या बना रहे हैं, किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए हैं, और इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये पॉली फॉर्म में आ गए हैं ना। पॉली, पॉली का मतलब हम लोग पता है मेनी, और ये किस फॉर्म में है, मोनो। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म में है, ये मोनोमेरिक है ना, और ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमेरिक है ना। तो मोनोमेरिक, जो मोनोमेरिक वाली बात यहाँ पर हो रही है, कई ढेर सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो एक मोनोमर है ना, और जो भी मोनोमर होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, और जो भी जब पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर, और उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग लीनियर पॉलीमर। यहाँ पर ये क्या होगा, कई ढेर सारे न्यूक्लिक एसिड ऐसे लॉन्ग लीनियरली ऐसे अटैच होंगे, इनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, ये ब्रांच नहीं होते, ये अनब्रांच होते हैं। ये भी बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अनब्रांच होते हैं, लॉन्ग लीनियर पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। इसीलिए इनको हम या तो क्या बोल सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब मेनी, और न्यूक्लियोटाइड मतलब कई ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाए हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए हर एक जगह पर वही बात रिपीट हो रही है,
तो यहाँ पर यही लिखा कि यही बात आपको यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये लॉन्ग लीनियर है, ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मोनो और पॉली वाली बात आपको क्लियर हो गई, मैक्रो और माइक्रो वाली बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो न्यूक्लियोड, अब आपको पता चल गया कि कई न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बना है, अब हम यहाँ बात करेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा वो किस चीज़ से मिलकर के बना है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वो तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, एक तो आपका क्या है पहला पेंटोज शुगर, दूसरा आपका क्या है फॉस्फेट, और तीसरा हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पर जो आपका पेंटोज, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे, अगर हम फॉस्फेट की बात करें, अगर हम यहाँ फॉस्फेट की बात करें तो ये फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट में कितने चार्ज आपको देखने को मिल रहे हैं, थ्री नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये जो फॉस्फेट है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो फॉस्फेट है इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए जो एसिडिक प्रॉपर्टी, वो न्यूक्लिक एसिड में जो एसिडिक प्रॉपर्टी आई है वो किसकी वजह से आई हुई है, इसी फॉस्फेट की वजह से। और ये फॉस्फेट जो है वो कितने ऑक्सीजन एटम से मतलब जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, ये जो फॉस्फेट है वो किस, इसका नेचर क्या है, हम लोग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कई बार पढ़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब कि ये क्या है, पोलर नेचर के हैं, ठीक है, ये पोलर नेचर के हैं। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या था, जो वाटर लविंग है, जिनको वाटर पसंद है, तो ये क्या है आपके फॉस्फेट जो है वो वाटर लविंग होते हैं। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज जहाँ लगता है तो वहाँ पर 5 की बात हो रही है, तो 5 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब भी हम लोग शुगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर क्या होता है, कीटोज या फिर एल्डोज, दो शुगर की हम बात करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन बनता है कि ये जो पेंटोज शुगर यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, एल्डोज शुगर है या फिर कीटो शुगर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये एक राइबो शुगर है, और अगर ये रेबुलोज होता तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कीटो शुगर है, लेकिन ये राइबो शुगर है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एल्डो शुगर है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। और पेंटोज शुगर जो है उसका भी क्या है, उसका भी जो नेचर है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब पोलर। तो ये पोलर तो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलर में दो होते हैं, एक पोलर चार्ज्ड होता है, एक पोलर अनचार्ज होता है। तो बताइए ये जो अगर यहाँ पर हाइड्रोफिलिक की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि पोलर तो है लेकिन चार्ज्ड है, और वो कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पोलर में भी एसिडिक और बेसिक था, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनचार्ज, तो पेंटोज शुगर जो है वो अनचार्ज्ड है। अगर इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइस करते हैं, दो तरह के शुगर होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबो शुगर और एक होता है राइबो शुगर। डीऑक्सी राइबो शुगर की अगर हम का एग्जांपल अगर हम दें तो वो डीएनए है, डीएनए में ऐसे शुगर देखने को मिलते हैं, और अगर हम राइबो शुगर का अगर हम बात करते हैं तो हमें आरएनए में ऐसे शुगर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम डीऑक्सी राइबो शुगर की हम बात करें तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि इनमें और दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमने आपसे बताया भी था कि जब भी हम अमीनो एसिड की बात करेंगे तो वहाँ पर एल फॉर्म होगा, है ना, लेकिन अगर जब भी हम शुगर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, डी फॉर्म में। तो देखिए आज आपका यहाँ पर प्रूफ भी हो गया कि डी फॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डीएनए और आरएनए का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तो डीएनए और आरएनए में देखिए स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कार्बन में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, आपका दूसरे कार्बन पे। अगर दूसरे कार्बन को आप ध्यान से देखिए तो 2' पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H दिख रहा है। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, जो अभी हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस आ रहा है। जब बेस की बात कर रहे हैं मतलब कि हम लोग क्या करें, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये एक तरह का क्या है, वीक बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस नहीं है, लेकिन ये बेस है, इसलिए यहाँ पर ये वीक बेस है। लेकिन इसका जो नेचर है वो क्या है, आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या था, नॉन पोलर, जो वाटर हेटिंग हो, जिनको वाटर नहीं पसंद है। तो ये क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, ये वाटर में, सॉरी यहाँ पर वाटर में इनसॉल्युबल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक यानी हेट्रो, जहाँ भी वर्ड लगता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। अगर आप हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर दो आते हैं, एक आता है प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। अगर प्यूरिन पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर हेट्रो वर्ड यूज़ किया गया, साइक्लिक क्योंकि ये साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, एरोमेटिक क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, 4N+1 वाली बात होती है। और दूसरी चीज़ की ये यूवी, जितने भी हमको आपको बताया भी थे एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी, कि जितने भी एरोमेटिक वाले होंगे वो यूवी लाइट को क्या करते हैं, यूवी लाइट को
यूवी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जितने भी होंगे ये यूवी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी आती है, एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। तो प्यूरीन जो होता है वो क्या होता है, 9 मेंबर रिंग है। अगर आप इसको देखिए तो ये कैसा रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर दो रिंग कंटेनिंग अमाइनो, दो रिंग दिख रहे हैं और आपके क्या है, ये 9 मेंबर रिंग है। 9 मेंबर कहने का मतलब ये 9 आपको देखने को मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। देखिए ये 9 का 9 आपके कार्बन से मिलकर के बने हुए। और अगर हम पिरिमिडीन को देखेंगे, ये 6 मेंबर हैं। अगर इसकी काउंटिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्यूरीन जो है वो क्या है, 9 मेंबर है और पिरिमिडीन क्या है, 6 मेंबर। अभी हम लोग आगे प्यूरीन और पिरिमिडीन की बात करेंगे। यहाँ पर अगर प्यूरीन को देखिए तो ये क्या है, इसके अंदर आपको दो मिलते हैं, आपके दो आते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन में। कौन कौन से आते हैं प्यूरीन पिरिमिडीन में, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, आपके प्यूरीन है। लेकिन अगर हम पिरिमिडीन की बात करेंगे तो पिरिमिडीन में क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और अगर आरएनए है तो यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, पिरिमिडीन के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो हम लोगों ने अभी बात किया कि न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। इसके अंदर दो आते हैं आपके, डीएनए और आरएनए। अब यहाँ हम बात करेंगे इस स्लाइड में कि जो डीएनए है वो किसका किसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया, प्लांट और ह्यूमन बींग का। ठीक है, ह्यूमन बींग में अगर हम लोग कहें तो लीनियर डीएनए, बैक्टीरिया में कहें तो हम लोग कैसे कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। और अगर हम ह्यूमन में कहें तो लीनियर डीएनए। ठीक है, आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए क्या है, आरएनए आपका दो तरह से काम करता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी और एक नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह भी। तो जेनेटिक मटेरियल किसका किसका है, जेनेटिक मटेरियल ये वायरसेस का है, वायरॉइड्स का है। ठीक है, वायरॉइड्स कहने का मतलब कि ऊपर की प्रोटीन कोट हटा लीजिए, क्योंकि वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट होती है वो किसकी होती है, कैप्सिड जिसको आप कहते हैं, है ना। लेकिन वायरॉइड में वो प्रोटीन कोट हटा दीजिए तो वो वायरॉइड हो जाता है। तो ये वायरस का एग्जाम्पल है यहाँ पर, जिनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, रेट्रोवायरस। जैसे जिनके पास आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे आपका टीएमवी वायरस कहने का मतलब टोबैको मोजैक वायरस, जैसे कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सभी का जेनेटिक मटेरियल वो क्या होगा, आपका आरएनए। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन जेनेटिक, मतलब कि जिनका जेनेटिक, जब जेनेटिक मटेरियल की तरह आरएनए काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या रोल है, कैसे काम कर रहा है, तो अगर हम यहाँ करें नॉन जेनेटिक की तरह, तो दो तरह से ये काम करता है। एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसके पास है, आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखने वाले का नाम है राइबोसाइम। फॉर एग्जांपल राइबोसाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि सारे के सारे एंजाइम्स, जैसे आपने बोला था अमाइनो एसिड, कई प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, वैसे प्रोटीन मिलकर के क्या बनाएंगे, एंजाइम। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि मतलब प्रोटीन से मिलकर के नहीं बना है, वो क्या है, राइबोसाइम। तो राइबो का मतलब होता है आरएनए और जाइम का मतलब क्या है, आपका एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जो आरएनए प्लस एंजाइम से मिलकर के बने होंगे उनको हम कहते हैं राइबोसाइम। ठीक है, इसका रोल हम लोग आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं जब एंजाइम पढ़ाते हैं, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। नॉन कैटालिटिक रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग और नॉन कोडिंग की हम लोगों ने बात किया है, एमआरएनए क्या करता है, तीन तीन कोडॉन को लेकर के एक एक अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो इसके पास कोडिंग रीज है। तो नॉन कैटालिटिक वाले कौन होते हैं, जो कोडिंग है, कोडिंग कौन, कोड कौन करता है भाई, एमआरएनए ही करता है, कोडॉन कंटेन किया रहता है। और नॉन कोडिंग में कौन आते हैं, टीआरएनए हो गया, एसएनआरएनए, आरएनए, बहुत ढेर सारे, जो एमआईआरएनए, बहुत तरह के जो डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं वो लोग क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि आपके, अगर हम यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दो ही तरह के हैं, एक आपके डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए का, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप, अगर हम राइबोस की बात करें तो ये जो आपका जिस फॉर्म में है वो किस फॉर्म में है, बीटा एनोमर फॉर्म में है। तो अभी हम बात करेंगे कि बीटा एनोमेरिक फॉर्म क्या होता है। दूसरी चीज़ की हम यहाँ बात करेंगे कि ये 5 मेंबर रिंग है, तो जब ये 5 की बात हो रही है तो ये फ्यूरिनोज की बात होती है। ठीक है, और अगर हम 6 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर पाइरोनोज की बात होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बीटा 2' डीऑक्सीफ्यूरिनोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्यों फ्यूरिनोज बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये 5 कार्बन रिंग है, इसीलिए हम यहाँ पर फ्यूरिनोज बोलेंगे। अब यहाँ देखिए डीएनए की अगर हम बात, दो तरह की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए आरएनए क्या है, वॉटसन क्रिक मॉडल क्या है, डीएनए के टाइप क्या है, एबीजेड डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है, आरएनए कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बस
उसका आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको वहाँ पर समझ आए। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, वही हम लोग बात किए थे कि डीएनए को हम क्या कहते हैं, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम यहाँ पर डीएनए का, अगर हम डीएनए की बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं, चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या क्या डीएनए क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए की अगर हम बात करें तो चार न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो वहाँ पर सभी न्यूक्लियोटाइड तो सेम होंगे, लेकिन थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका यूरैसिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डिफरेंस दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में, जो हम लोग आगे चल करके भी पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर हम डीएनए की बात करें तो दो आपके स्टैंड हैं, एक क्या है आपका 5' to 3' और एक आपका 3' to 5'। तो ये क्या है, एंटी पैलर स्टैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एंटी पैलर स्टैंड है। ठीक, अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक आपका क्या है, ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हम लोगों ने बात किया था किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पर फॉस्फेट है। लेकिन अगर इसी फॉस्फेट को हम हटा दें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन फॉस्फेट क्या है, टोटली एब्सेंट है। तो जब फॉस्फेट हटा दिया जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा, वो आपका न्यूक्लियोसाइट हो जाएगा। तो बेटा ये वाइवा में आपके एग्जामिनर भी पूछने आते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइट। तब आपको वहां पर बताना पड़ता है कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि जब हमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट भी देखने को मिले, अगर हम फॉस्फेट हटा दें, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर रहेगा, तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइट हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियोसाइट है तो फॉस्फेट एब्सेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका शुगर है, ये आपका क्या है, शुगर है, और ये आपका फॉस्फेट है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है एएमपी और टीएमपी, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन थाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर फॉस्फेट इन्वॉल्व है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर फॉस्फेट हटा दिया जाएगा तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड भाई देखिए लिखा है ना, बेस और शुगर से की बात करेंगे। बेस और शुगर जब एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। तो बेस और शुगर जब ज्वाइन होंगे तो किसी ऐसे तो जुड़े नहीं होंगे, किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो उस बॉन्ड का नाम क्या है जिसके थ्रू आपका नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर एक दूसरे से लिंक है, तो उस बॉन्ड का नाम है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आप बोल रहे हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके लिए बोल रहे हैं आप? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं जब भी न्यूक्लियोसाइड की बात होगी, तो न्यूक्लियोसाइड जब भी शुगर से अटैच होगा तो हमेशा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको पता भी होना चाहिए कि जो शुगर होता है, जब भी दो शुगर आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो हमने बताया था कि वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तरह का क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक, अब दूसरी बात करें कि यहाँ पर प्यूरीन और पिरिमिडीन की अगर हम बात करेंगे, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूरीन और पिरिमिडीन में अगर हम यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर यहाँ पर अगर एडिनिन है और ये राइबो शुगर से जुड़ा है, आपका मतलब नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एडिनिन क्या है, 9 में अभी आप हमने बताया था 9 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, तो 9 मेंबर रिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो N9 है वो किससे जुड़ रहा है, जो शुगर है उसका हमेशा C1 ही कार्बन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 1 ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक में 9 है, एक में 6 है, ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, क्योंकि ये मान लेते किसी का भी साइटोसिन, थाइमिन, ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है, तो ये एडिनिन का, एडिनिन 9 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर N9 और C1 के बीच में क्या हो रहा है, आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थाइमीन है जो कि 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर N1 C1 बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है गेट के एग्जाम में भी कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कि अल्फा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि बीटा क्यों हम यहाँ बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अल्फा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख देंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये गलत हो जाएगा, क्यों अल्फा और बीटा, यह भी हम लोग आगे आपको अभी हम बता ही दे रहे हैं, नहीं तो अभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बार बार। अगर हम शुगर की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल में एनोमेरिक कार्बन की अगर हम बात करते हैं, एनोमर की बात करते हैं, तो एनोमर में एनोमर क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका राइबो शुगर का, डी राइबो शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये अल्फा और बीटा फॉर्म में ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसके हमेशा जब भी एनोमेरिक बात किया जाएगा, हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा कार्बन नंबर वन ही की बात की जाएगी, कार्बन नंबर वन, आपने शुगर का कार्बन नंबर वन ही देखा, भले ही नाइट्रोजनस बेस का एक में सिक्स एक में नाइन है तो वो नाइन और आपका एन वन हो रहा था, लेकिन आपका अल्फा और बीटा तो चेंज नहीं हो रहा था आपका। तो अल्फा और बीटा किस बिहा पर बोलते हैं, जब भी कार्बन नंबर वन पर, हमेशा याद रखिएगा, अगर कार्बन नंबर वन पर, हम यहाँ छोटा सा आपको रफली बना ही दे रहे हैं, ठीक है, अगर कार्बन नंबर वन पर अगर OH ग्रुप आपका ऊपर की तरफ है तो आप उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, अगर यही कार्बन नंबर फर्स्ट पर, हट जा रहे हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पर आपका अगर ये OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा, और अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पर आपका ये OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ है तो आप उसको अल्फा कहेंगे। तो बताइए यहाँ पर जो शुगर आपको डी राइबो शुगर या फिर डी ऑक्सी राइबो शुगर देखने को मिल रहा है, उसमें आपको OH कहाँ देखने को मिल रहा है, हमेशा ऊपर की तरफ, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, बीटा, इसीलिए हमने आपको वहाँ पर बीटा फॉर्म में बोला है, बार बार बीटा हम इसीलिए यूज़ करें। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका क्या है, बीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका OH ग्रुप ऊपर की तरफ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख लो, आप देख लो, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बीटा इसीलिए हमने बोला था क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर बीटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि OH ग्रुप कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है बच्चा। अब आगे आइए देखते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपका, ये आपका गेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो बीटा और अल्फा में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, बीटा और अल्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये प्यूरीन और पिरिमिडीन में डिफरेंस है। अगर हम ATP की बात करें, ये किसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ATP न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का, देखिए दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, कि जो न्यूक्लियोटाइड है, जो देखिए अगर न्यूक्लियोसाइड की बात यहाँ से यहाँ तक कर रहा है तो यहाँ पर फॉस्फेट नहीं अटैच है, ठीक है, तो जब तक फॉस्फेट नहीं अटैच है यहाँ पर कौन है, शुगर है, और ये क्या है आपकी नाइट्रोजिनस बेस है, तो ये दोनों की बात करेगा तो ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में देखिए ये आपका फॉस्फेट इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ पर ये ATP का स्ट्रक्चर, इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आप बताइए C1 कार्बन से अटैच हो रहा है तो इसको आप क्या बोल रहे थे कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, शुगर जब बेस से अटैच हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब वो न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जब फॉस्फेट ऐड हो गया, जब न्यूक्लियोटाइड बन गया तो कौन सा यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉस्फेट अटैच हुआ है किस कार्बन से अटैच हुआ है, 5, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1', 2', 3', 4', तो ये आप लोग को लग रहा है ये ऐसे प्राइम क्या है, तो 5' लिख रहे हो, फिर कभी कभी आप देख रहे हो 3' बोलते हो, तो ये प्राइम जो यूज़ किया जा रहा है बेटा इसीलिए किया जा रहा है, क्यों यूज़, क्योंकि अगर हम लोग पिरिमिडीन और प्यूरीन की बात करेंगे तो वहाँ पर नंबरिंग हमने 1, 2, 3, 4 पहले से कर रखा है, तो इसीलिए हम इसको डिफरेंट करने के लिए कि वन वहाँ पर बोल रहे तो किसके वन की बात कर रहे हैं, किसके 5 की बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर प्राइम बोला जा रहा है, ये प्राइम है, तो प्राइम क्या दिखाता है, नंबर ऑफ़ कार्बन ही, ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन की ही बात होती है, तो प्राइम का मतलब यही होता है, इसीलिए आप 5', 3' बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शुगर है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड तो पता चल गया, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये 5' से अगर फॉस्फेट, पहला फॉस्फेट अगर अटैच हुआ, हम इसको कलर चेंज कर ले रहे हैं तब आपको दिखेगा थोड़ा, कौन सा कलर यूज़ करें भाई आपके लिए, कौन सा कलर यूज़ करें, चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये फॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट अटैच हुआ है इससे, यहाँ पर 3 फॉस्फेट दिखा रहा है जा रहा है, तो बताइए 3 फॉस्फेट अटैच है तो ये ATP का स्ट्रक्चर होगा, अगर 2 फॉस्फेट अगर अटैच होते तो क्या होता है, अगर ATP की बात किया जा रहा है तो 3 फॉस्फेट है, ADP है तो 2 फॉस्फेट है, है ना, 2 फॉस्फेट है, और AMP है तो मतलब एक ही फॉस्फेट यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट है AMP, ठीक है, 2 फॉस्फेट है ATP, ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात करना है बॉन्ड को लेकर के, यहाँ पर जब यहाँ पर जो पहला फॉस्फेट होता है, फर्स्ट फॉस्फेट, तो उसको हम कहते हैं अल्फा,
फॉस्फेट, जब दूसरा फॉस्फेट होता है उसको बीटा, और तीसरे फॉस्फेट को हम गामा फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड हमें पता करना है कि जो अल्फा फॉस्फेट है अगर वो आपका किससे अटैच हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप से, है ना। यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर किसके किसके बीच में, ये फॉस्फेट क्या एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी, और ये क्या है आपका अल्कोहल। तो जब यहाँ पर अल्कोहल के साथ अगर आपका फॉस्फेट, यहाँ लिखा है हमने एसिड और अल्कोहल का, जब भी यहाँ पर बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, फॉस्फो मोनोईस्टर बॉन्ड। हमेशा याद रखना बेटा मोनो, क्योंकि एक ही यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब भी राइबो शुगर से के थ्रू अटैच होकर के कोई भी यहाँ पर फॉस्फेट से बॉन्ड बनेगा तो उसको आप कहेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ही फॉस्फेट इन्वॉल्व हुआ है इसलिए फॉस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कहोगे, जब आपका यहाँ पर बीटा और गामा फॉस्फेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड इन्वॉल्व होगा उसको आप फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड नहीं बोलोगे, यहाँ पर फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है। और ये फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड किनके किनके बीच में बन रहा है, गामा फॉस्फेट और आपका बीटा फॉस्फेट, मतलब दूसरे और तीसरे फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आप फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हो। और ये दोनों ही जो आपका फॉस्फो ईस्टर और फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये दोनों ही बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। लेकिन अगर फॉस्फो ईस्टर और फॉस्फो अनहाइड्राइड की बात करें तो अनहाइड्राइड फॉस्फोडाइस्ट फॉस्फो ईस्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर फॉस्फो अनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि दो फॉस्फेट के ही बीच में बन रहा है, इसलिए ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो दो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम फॉस्फो अनहाइड्राइड कहते हैं। और या फिर गामा और बीटा फॉस्फेट के बीच में बनता है तो भी हम फॉस्फो अनहाइड्राइड ही बोलते हैं, ठीक है। अल्फा के बीच में बनेगा तो फॉस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे, मोनो क्योंकि एक ही बन रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम फॉस्फेट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 3.4 किलो कैलोरी जूल किलो कैलोरी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। अगर हम सेकंड वाले फॉस्फेट को रिलीज़ करते हैं तो 7.8 और अगर हम 7.3 सॉरी ठीक है, और अगर हम थर्ड वाले फॉस्फेट को रिलीज़ करेंगे तो ये आपकी 7.8 कैलोरी किलो कैलोरी आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने की भी बात है। दूसरी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें गेट में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड बनता है एटीपी के बीच में, कौन सा बॉन्ड बनता है। तो बहुत से लोग लगा के आएंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, लेकिन एटीपी के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, दो बॉन्ड बनते हैं, एक फॉस्फो ईस्टर और एक फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताइए जो चार्ज है आपको कितना देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर एटीपी की बात करें, एक दो नेगेटिव चार्ज, तीन एक चार, ये टोटल कितने चार्ज आपको देखने को मिल रहे हैं एटीपी पे, टोटल 4 नेगेटिव चार्ज। अगर हम एएमपी एडीपी की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा ये, ठीक है। तो कितने चार्ज हो जाएंगे एडीपी के टाइम पे, 3। और अगर एक ही फॉस्फेट है तो कितने चार्ज हो जाएंगे, सिर्फ 2। तो हमेशा टर्मिनल फॉस्फेट को, जो टर्मिनल मतलब होता है एंड पार्ट किनारा, तो यहाँ पर कितने आपके नेगेटिव चार्ज है, 2। तो जब भी बार बार किनारा जो भी आएगा फॉस्फेट, अगर इसको हटा देंगे तो वो भी तो दो ही नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल एटीपी के केस में आपको टोटल कितना दिख रहा है, 4 नेगेटिव चार्ज, और एडीपी के केस में आप एक माइनस कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 3, और उसके केस में 2। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, अभी जब हम आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ शुगर की बात करें, हम लोग खैर शुगर की बात हो चुकी है कि जब भी आरएनए की बात होगी तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डी राइबोज यहाँ पर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बीटा डी राइबोज भी बोल सकते हैं, या बीटा डी फ्यूरोनोज भी बोल सकते हैं। फ्यूरोनोज क्यों, क्योंकि ये 5 है, अगर हम पायरोनोज बोलते तो क्या होता, 6 होता। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, अगर डीएनए की हम लोग बात करें तो डीएनए में भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि बीटा डी 2', क्योंकि 2' पर क्या है आपका, दोनों में डिफरेंस, आरएनए डीएनए में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दूसरे कार्बन पर, तो इसीलिए दूसरे कार्बन पर डिफरेंस है, इसीलिए बीटा डी 2' डी ऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पर आप इसीलिए यहाँ पर ये बात बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आरएनए और डीएनए में क्या है, दूसरे कार्बन पे, इसीलिए 2' बोला गया है। बीटा क्यों बोला गया ये समझ में आ गया, ठीक है। और इनमें कौन सा एनोमर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम एक और बात करना चाहें कि जो राइबो शुगर होता है, एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये राइबो शुगर की अगर हम बात करें, ये आपका एक बार बीएचयू के पीजी एंट्रेंस में पूछा गया था कि राइबो शुगर के पास कौन सा कन्फर्मेशन होता है, तो ये हाफ चेयर कन्फर्म, ये इसके पास कौन सी होती है, हाफ चेयर कन्फर्मेशन होती है, ठीक।
ठीक है, हाफ चेयर कन्फर्मेशन जो होता है वो किसके पास होती है, राइबो शुगर के पास। कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किसके पास होती है, ग्लूकोज के पास कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको हमेशा एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम आरएनए की बात, राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड के केस में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एनटीपीज यूज़ करेंगे हमेशा, एनटीपीज। ठीक है, जब भी हम डीऑक्सी की बात करेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो वहाँ डीएनटीपीज की बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डीऑक्सी देखिए लिखा है, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, या फिर आप इसको डीऑक्सी एडिनाइलेट भी बोलते हो, डीएमपी, डीजीएमपी। तो डी क्या इंडिकेट करता है, डीऑक्सी को, और एएमपी अगर ये सब लिखा है तो ये एनटीपीज को। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक और चीज़ हम बता दें कि न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो आपका होता है 300, कहीं कहीं 25 डाल्टन लिखा होता है, कहीं कहीं आपको 350 भी लिखा रहता है। ठीक है, अमाइनो एसिड का जैसे हमने बताया था ना 110 होता है, कहीं कहीं 128 भी होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ है। दूसरी चीज़ की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन इसका क्या है, एनर्जी करेंसी की तरह, एनर्जी करेंसी की तरह क्या एटीपी हमारा जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह आपका क्या है एटीपी का ही यूज़ किया जाता है एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, जीटीपी का यूज़ क्यों करते हैं, जीटीपी मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग ट्रांसलेशन में करते हैं, जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जीटीपी का रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप क्रैब साइकिल पढ़ते होंगे तो क्रैब साइकिल में भी आपको देखने को मिलता होगा। सीटीपी की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में आपका रोल प्ले करता है। यूटीपी की बात करें तो ये ग्लाइकोजन के मेटाबोलिज्म में रोल प्ले करता है। ये चीज़ आपका एक बार गेट के एग्जाम में पूछा गया था, मैचिंग करने के लिए आया था, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। को एंजाइम की अगर हम बात करें, को मतलब को एंजाइम, को का मतलब होता है साथ, एंजाइम का मतलब एंजाइम, तो को एंजाइम मतलब कि एंजाइम के साथ काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं, NADP प्लस, FADP प्लस, FAD प्लस और NADP प्लस, ये सभी क्या है, एक तरह के कोएंजाइम है। आपके जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक तरह के सेकेंडरी मैसेंजर भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक AMP और साइक्लिक GMP, ये एक क्या है आपके सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल का अगर आपको करें तो आपकी सेल सिग्नलिंग चलती है, जिसमें आपका एक सेल सिग्नलिंग का एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं GPCR, ये GPCR आपका एक पाथवे चलता है जिसके अंदर हम साइक्लिक AMP या साइक्लिक GMP आपका क्या यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर की तरह आपका हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, प्रिकर्सर की तरह अगर हम न्यूक्लिक एसिड को हम बात करें, तभी अभी हम बात किए हैं कि DNA के लिए DNTPs, RNA के लिए NTPs यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिकर्सर फॉर साइटोकाइन, ये आपके लिए क्या है प्रिकर्सर, साइटोकाइन आपका क्या है एक तरह का प्लांट हार्मोन है, वहाँ पर भी आपका क्या है न्यूक्लियोटाइड आपका एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करता है। ठीक है, अगर अब हम बात करें नाइट्रोजनस बेस की, क्योंकि एक एक करके हम लोग बात करें तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम लोग ने बताया था हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब हेट्रो क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, एक 9 मेंबर, एक 6 मेंबर। साइक्लिक क्योंकि साइक्लिक जैसा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, जब भी एरोमेटिक की बात करते हैं 4N+1 बात करते हैं, हम लोग पहले भी बात करें। वीक बेस, तो वीक बेस क्यों, क्योंकि यहाँ बेस है तो ये क्या है प्रोटॉन, क्या है प्रोटॉन को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अगर हम प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन जो है यहाँ पर क्या है 9 मेंबर रिंग है, तो प्यूरीन जो है आपका 9 मेंबर रिंग है और आपका नॉन पोलर है, डबल रिंग कंटेनिंग। आप देखिए एक ये है, एक दूसरी ये रिंग है, तो डबल रिंग कंटेनिंग है, तो आप बताइए इसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा, प्यूरीन के कंपैरिजन, पिरिमिडीन के कंपैरिजन क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि वो सिंगल रिंग कंटेनिंग है और ये क्या है डबल रिंग कंटेनिंग है। दूसरा अगर हम बात करें, हम लोग डिफरेंस भी पढ़े थे कि N9C1 बीटा N, ये आपका बी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर बीटा होगा, बीटा N1 आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, N4 यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है, बीटा N। ठीक है, नंबरिंग एक चीज़ हमेशा देखिएगा, प्यूरिन पिरिमिडिन में यहाँ डिफरेंस भी आप एक तरह से पढ़ते जा रहे हो कि जो प्यूरिन है वहाँ पर आपको क्या नंबरिंग जो है आप किस डायरेक्शन में करें, इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बताइए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं नंबरिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग प्यूरिन में देखेंगे तो वहाँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये भी डिफरेंस हो गया, वो 9 मेंबर वो 6 मेंबर, ये आपका क्या है नॉन पोलर, ये डबल रिंग है वो सिंगल कंटेनिंग रिंग है, ये हाई मॉलिकुलर वेट है वो लो मॉलिकुलर वेट होगा। एक होता है जब हम लोग शुगर पकरिंग पढ़ेंगे कभी आपको पढ़ाएंगे हम, तो ये एंटी और सिन कन्फर्मेशन होता है, दो कन्फर्मेशन, तो एंटी और सिन कन्फर्मेशन में जो एंटी कन्फर्मेशन होता है वो आपका ये स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, सिन कन्फर्मेशन स्टेबल नहीं होता। तो एंटी कन्फर्मेशन जो है आपका, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाएंगे, तो एंटी कन्फर्मेशन और सिन कन्फर्मेशन दोनों ही प्यूरिन के पास होता है। ठीक है, तो ये आपका प्यूरिन के पास दो रिंग होती है, एक आपकी
आपकी पहली रिंग जिसको आप क्या कहें, ये फर्स्ट रिंग जो है आपकी, ये क्या है आपकी, इसको हम लोग पिरिमिडीन रिंग, इस फर्स्ट रिंग को हम पिरिमिडीन रिंग या फिर हम लोग डाइजीन रिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभी पिरिमिडीन रिंग नहीं लिखा हुआ मिलता, आपको वहाँ डाइजीन रिंग मिलता, तो आपको लगता है कि ये क्या है, तो डाइजीन रिंग के भी नाम से इसको जानते हैं। दूसरा आपका ये इमाइडाजोल रिंग है, सेकंड वाला जो रिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इमाइडाजोल रिंग। आप बताइए कि कौन से ऐसे, और आप कहाँ पर पढ़े थे ये इमाइडाजोल रिंग बताइए। इमाइडाजोल रिंग एक और जगह हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पर, हिस्टिडीन में। हिस्टिडीन एक ऐसा अमाइनो एसिड था जिसके पास क्या था, 5 मेंबर रिंग था, और इसके पास कौन सी रिंग थी आपकी, इमाइडाजोल रिंग थी, भूल गए आप, ठीक है। तो दूसरा अगर हम प्यूरिन का एग्जांपल दें तो यहाँ पर क्या है, एडिनिन और ग्वानिन। यहाँ पर देखिए ये पूरा 9 मेंबर रिंग है दोनों ही, और अगर हम एडिनिन की हम अगर बेटा कभी कभी केमिकल नेम भी आपसे पूछा जाता है एंट्रेंसेस में भी और हर जगह वाइवा में भी, कि आपका ये एडिनिन का केमिकल नेम हमें बताइए, तो बहुत टफ नहीं है आपको केमिकल नेम रिकॉग्नाइज करना। अभी देखिए हम आपको सिंपल कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस की बात करें तो ये कौन सा पोजीशन है, 6th पोजीशन है, देखिए 6th पोजीशन है कि नहीं, और ये वाला ज़रा बताइए तो ये कौन सा है, 2 है, और ये क्या है आपकी, 6th पोजीशन है। तो अब देखिए नंबरिंग अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, यहाँ 6th पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, तो आप इसका एडिनिन का नाम क्या रख देंगे, 6, क्योंकि 6th पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो इसीलिए 6 अमीनो, और प्यूरिन तो ये है ही, तो 6 अमीनो प्यूरिन बोल दिया हमने। अगर हम ग्वानिन की बात करें तो क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, इसलिए 2 अमीनो। 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है, इसीलिए 6 ऑक्सी, तो प्यूरिन तो है ही, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, तो हो गया आपका नेम ना, ये आसान, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेस जो कि आपका पिरिमिडीन है, ये आपका क्या है, सिंगल हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, वीक बेस है, वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, नॉन पोलर है, सिंगल रिंग है, लो मॉलिकुलर वेट है। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था N1C1 बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बीटा थोड़ा ना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नंबरिंग क्या करें, यहाँ नंबरिंग हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, ज़रा देखिए किधर जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, वहाँ हम लोग अपोजिट आ रहे थे इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या है, और ये हमेशा एंटी कन्फर्मेशन में रहता है, बल्कि प्यूरिन क्या था आपका, दोनों था, एंटी भी था सिन भी था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एंटी कन्फर्मेशन जो कि एक स्टेबल कन्फर्मेशन होती है आपकी। तो एक ही रिंग है, और ये एक रिंग क्या है आपकी, डाइजीन रिंग या पिरिमिडीन रिंग कहा जाता है इसको। तो इसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है, ज़रा देखिए इसका, यहाँ पर 2 करिए 2 करिए, यहाँ पर क्या करिए 4 करिए, ये 4 है, ये क्या है आपका 2 है, और ये कौन सा है 5 है, यहाँ पर ये करिए 2 है, ये क्या है 5, ये आपका 4 है, तो ज़रा इसका नेमिंग करिए, 2 क्या है, 2 पे ऑक्सी है इसलिए 2 ऑक्सी, 4 पे क्या है अमीनो, तो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन है, तो पिरिमिडीन। यहाँ पर देखिए 2 और 4 पे, दोनों पे ही ऑक्सी है, तो इसलिए 2 4 ऑक्सी, और 5 पर मेथिल ग्रुप है इसलिए 5 मेथिल और पिरिमिडीन, तो ये है ही। तो देखिए नंबरिंग कितनी आसान है, 4 2 पे क्या है आपका, 2 और 4 पे आपका ऑक्सीजन ही है, तो इसीलिए 2 4 डाई पिरिमिडीन हम किसको बोलते हैं, यूरेसिल को। तो ये इसका केमिकल नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किनके किनके बीच में बनता है, मोनोमेरिक डाई न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, एक आपका 2 शुगर है, मान लेते हैं ये राइबो शुगर हम यहाँ अगर 1 कर दें और ये राइबो शुगर 2 है, तो 2 राइबो शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बस हम यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर नहीं बोलेंगे, अगर आप यहाँ पर देखिए ये फॉस्फेट जो है वो किनके किनके बीच में इन्वॉल्व हुआ है, देखिए ज़रा ये कार्बन नंबर कौन सा है, 3 वाला, और ये कार्बन नंबर कौन सा है, 5 वाला, तो 3 और 5 के बीच में ये फॉस्फेट इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए 3 प्राइम 5 प्राइम। फॉस्फो किस लिए यूज़ किया गया है, फॉस्फेट के लिए, ठीक है। डाई क्यों यूज़ किया गया है, डाई क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि 2 शुगर है, 2 शुगर के बीच में बन रहा है इसलिए डाई, और ईस्टर तो बॉन्ड है ही। तो हमने यहाँ पर देखा वहाँ पर क्या था, ATP के केस में अगर हम बात करें, ATP का कहाँ गया है स्ट्रक्चर, ATP का स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो ATP के स्ट्रक्चर में आप लोग वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये शुगर से ही अटैच था इसलिए ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोमोनोईस्टर क्योंकि एक ही है लेकिन एक ही शुगर से अटैच हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाईस्टर, क्योंकि फॉस्फोडाईस्टर इसलिए क्योंकि 2 राइबो शुगर से अटैच हुआ है इसलिए फॉस्फोडाईस्टर, 2 के लिए डाई, और ईस्टर तो बॉन्ड बन ही रहा है तो इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं। वहाँ पर मत बोल दीजिएगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ATP में, फॉस्फोमोनोईस्टर बॉन्ड है इसलिए मोनो मैंने मेंशन किया है, यहाँ डाई मेंशन किया गया है, किस प्राइम पर बन रहा है, 3 और 5 पे, इसलिए 3 प्राइम 5 प्राइम बोला गया है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको समझने के लिए जो समझने वाली है, यहाँ पर ये देखिए
यहाँ पर 5' पर क्या है बेटा, एक ही फॉस्फेट अटैच है, और जब भी टर्मिनल फॉस्फेट की हम बात करेंगे तो बताइए टर्मिनल फॉस्फेट पे कितना चार्ज होगा, हमेशा -2, हमने बताया था आपको -2। आप देख लीजिए एक ही, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो ही निगेटिव चार्ज है। और अगर हम सेंट्रल जो ये फॉस्फेट है, ये सेंट्रल फॉस्फेट पर अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सेंट्रल फॉस्फेट जो है उस पर कौन सा चार्ज है, तो आप फटाक से या तो 2 लगा देंगे या तो 3 लगा देंगे, तो ये आप या 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर देखिए, बाकी सब देखिए नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा सेंट्रल फॉस्फेट जो है वहां पर -1 लिखेंगे और जो टर्मिनल फॉस्फेट है वहां पर -2 लिखेंगे, ठीक है। तो यह चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज यहां पर पूछता है कि कौन सा शुगर है, तो यहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर मत लगा के आ जाएगा, ये राइबोज शुगर है। और राइबोज शुगर किसके लिए यूज करते हैं आप बताइए, राइबोज शुगर किसके लिए है, आरएनए के लिए। तो यहां पर बताइए कौन सा एंजाइम आएगा, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं ना रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज, तो बताइए क्या यहाँ पर डीएनए है के लिए राइबो शुगर आप यूज कर रहे हो, नहीं ना, आरएनए के लिए कर रहे हो, तो बताइए यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कभी नहीं पूछा गया किसी भी अभी तक इंट्रेंसेस में, हमने तो नहीं देखा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा आपका एंजाइम इन्वॉल्व हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो कभी कभी आपको चार्ज निकालने को फॉस्फेट पे आता है, इसलिए हमने आपको बताया। मान लेते हैं हम यहाँ पर 5' हमें थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे 5' और ये 3' बोल दे, अगर यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ कोई न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फिर कोई न्यूक्लियोटाइड, तो बताइए यहाँ किनारे और किनारे वाला फॉस्फेट, अगर बात ये किनारे वाला फॉस्फेट है तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज काउंट करेंगे, यहाँ और यहाँ पर क्या है एक ही एक काउंट करेंगे ना, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, 3, 4, यहाँ टोटल कितने होंगे -4। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए हमने ये 2 और 1 वाला कॉन्सेप्ट बताया, जो कि आपके लिए आगे अगर आप नेट का प्रिपरेशन या किसी गेट का प्रिपरेशन करते तो हम यहाँ आपको समझाते ये वाली बात, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सिंपली आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बीएससी के लिए है, इसलिए सिर्फ बीएससी की क्लास के पर्पस से ही हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हम आपको जब इंट्रेंस के लिए जब पढ़ाएंगे तो फिर इंट्रेंस के लिए हम वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए किनके बीच में बनता है, एडिनिन डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये यहाँ पर क्या है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, थाइमिन है और ये एडिनिन, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 3 दिख रहे हैं साइटोसिन और ग्वानिन में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस वाले आपको पता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे एज अ कंपैरिजन टू आपके एडिनिन और थाइमिन के बॉन्ड से। और यहाँ पर अब हम आपको सिंपल सम अप कर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर दो नाइट्रोजनस बेस एडिनिन और थाइमिन, ये 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 राइबोस शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अगर आपसे कोई पूछे बेस और शुगर किस बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, तो आप क्या बताएंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें अगर प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हम क्या यहाँ पर बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में और सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, ठीक है, तो और डाइल्यूट एल्कलीन में भी। और अगर हम इसको प्रेसिपिटेट करें तो ये HCl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या फिर ये एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। एक दो चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका, अब हम ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि अगर हम ये न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फोलाइट नहीं बोल सकते, ये एम्फोलाइट्स हैं। हाँ, ये एम्फोलाइट्स क्यों हैं, क्योंकि ये एम्फोलाइट इसलिए हैं क्योंकि इनके पास क्या, एम्फोलाइट वो होते हैं जिनके पास क्या है आपका ये आपका हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, तो ये इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करें वो एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स हो सकते हैं ना, ठीक। और ऑप्टिकली एक्टिव क्यों हो सकते हैं, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हम इनको बोल सकते हैं ना कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, ज़रा सा हमको बताइए।
और क्योंकि और यहाँ पर आपको कैरल्टी भी देखने को मिल रही है, कैरल कार्बन भी, क्योंकि अगर आप राइबो शुगर को ज़रा देखिए, राइबो शुगर में क्या सारे के सारे जितने भी जितने भी कार्बन हैं, क्या उनसे सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो सेम है? नहीं है ना। तो ये क्या हुए, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये किस फॉर्म में, ये कैरल शो कर रहे हैं, ये कैरल कार्बन हुए कि नहीं हुए बताइए। तो वो सारी बातें वहाँ पर आपको क्या है देखिए मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये एम्फोलाइट हो गया, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही की तरह नेचर शो कर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, एम्फोलाइट्स होते हैं, या फिर एम्फीपैथिक हम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एम्फीपैथिक ही, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कायरल की बात करें तो बेटा कायरल यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें शुगर में, क्योंकि शुगर में हमें कायरल क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और जितने भी जो कायरल होते हैं हमने बताया था आपको वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बताए थे ना। तो ये सभी बातें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एम्फीपैथिक है, आपके कायरल हैं और ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ये तीन बातें आपको देखिए हर एक जगह पर रिपीट मिल रही है। तो ये आपका पूरा समरी था, हमने आपको ये बेसिक बस पॉइंट बताया है। जब हम लोग आगे जो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि ये डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये सभी क्या है, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, कि डीएनए आरएनए क्या है। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं।